हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, यहाँ से हम लोग का मनसा देवी का सफ़र स्टार्ट होता है। और देखिए, यहाँ से हम लोग उड़न खटोला से जाएंगे। हम लोग पैदल नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये क्रिस और कृति छोटे छोटे थे ना, तो इन लोग चल नहीं पाएंगे। और यहाँ हम लोग को चेक इन भी हो रहा था, तो यहाँ मतलब तो बहुत इसमें जाने के बाद प्रोसेस होता है, चेक इन होता है सब अच्छे से। चंडी देवी है, तो वहाँ हम लोग नहीं गए थे, बस मनसा देवी तक ले गए थे। और अच्छा भी लग रहा था, देखो ये कैसे एकदम जा रहा था। चलिए दोस्तों, आप लोग फुल वीडियो एंजॉय करिए और देखिए। और ये मेरे भांजे और सासू माँ भी एक साइड बैठी थी, एक साइड हम क्रिस कृति तीनों आदमी बैठे थे, क्योंकि ये ट्रॉली चार लोग इस ट्रॉली में बैठ सकते हैं, चार लोग से नहीं ज़्यादा नहीं लगता, कम भी बैठ सकते हैं, पर कम का खतरा रहता है, तो चार लोग के लिए ही सही रहता है। और देखिए, टमाटर बोल रहे थे कि हम लोग पीयूष रंजन इनके दोस्त, पीयूष रंजन नाम है, हम लोग टमाटर बोल रहे हैं, बट मेरा लग रहा है काफी डर लग रहा है, मेरे को तो नीचे ताकते ही लग रहा है कि जा। तनी नीचे एक बार ताक लो। हाय आलिया बाबू, हाँ कृतिया, रुस भी याद कृतिया। और यहाँ पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे कब आ जाए, कब आ जाए, कब उतर जाए, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे थी और काफी डर है। बार बार हम पीछे मुड़ देख रहे हैं कि हम लोग आ पहुंचे कि नहीं, अभी कितना दूर पे है, तो अभी तक नहीं। बाकी बहुत अच्छा लगा, यहाँ से तो पूरे हरिद्वार जैसे दिखाई दे रहा था, पूरे हरिद्वार देख लो पीछे पे, मतलब दिखाई दे रहा होगा पूरी हरिद्वार, कितना जंगल जंगल दिखाई, एकदम पहाड़ डर लगा था, अच्छा लग रहा था। अगर आप लोग हरिद्वार आइए तो मनसा देवी जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ हर विश पूरे होते हैं, हर किसी सबके मनसा पूरा होता है, इसीलिए यहाँ जरूर आना चाहिए और धागा जरूर बांधना चाहिए। और जब मन्नत पूरा हो जाए तो धागा भी खोलने के लिए यहाँ आना पड़ता है। तो जी दोस्तों, हम अपने मंजिल पे पहुँच गए, अब यहाँ हम लोग उतर जाएंगे और अब हम लोग जा रहे हैं मनसा देवी के दर्शन करने। अब यहाँ से जा रहे हैं और प्रसाद भी हम लोग ले रहे हैं और खाने के लिए, काफ़ी भीड़ था क्योंकि उस दिन एकादशी भी था, इसलिए और ज़्यादा भीड़ था। दूसरे दिन महाशिवरात्रि था, इसलिए और ज़्यादा भीड़ था। ये थोड़ा ब्लॉग मेरा लेट जा रहा है क्योंकि उतना अभी मेरे को टाइम नहीं मिला एडिट करने। चलो क्रिस, इसलिए उसको लिए इग्नोर करिएगा। यहाँ देख रही हैं, यहाँ से भी देखने से ना नीचे तक ले पूरा पहाड़ पहाड़ दिखाई दे रहा था। और यहाँ भी हम लोग को चेकिंग, मतलब चेकिंग पे चेकिंग होते रहता है, क्योंकि ये सब प्रोसेस उन लोग का है ना, तो करना पड़ता है। फिर यहाँ पर हम लोग आगे ही, मतलब यह चप्पल उतार देना था और हम लोग यहाँ से अपना चल जाएंगे, जाने लगेंगे मनसा देवी। और देखिए, यहाँ काफ़ी भीड़ था वे मनसा देवी दर्शन करने के लिए। वहाँ ऊपर में भी दुकान उकान था, जो भी लेना है प्रसाद, मतलब कुछ भी यहाँ ले सकते हैं। और कितने लोग तो यहाँ भी चुनरी बांध रहे, पर यहाँ नहीं बनाता है। हाँ, यहाँ बांध सकती हैं आप लोग चुनरी, क्योंकि ये भी मनसा देवी का बैग है, तो लोग बांधते हैं ना कि अंदर तो नहीं बांध सकते, तो यहाँ यहाँ बांधे। और धागा तो आगे बनाता है, और काफ़ी भीड़ था,
देख रहे हैं कितना ज़्यादा लाइन लगा था, बहुत ज़्यादा। और यहाँ जो ये था ना, यहाँ हो रहा था, अर्जी लग रहा था, यहाँ फूल वूल चढ़ाया जा रहा था। एक फूल जितना लाए थे ना फूल, उसमें से फूल चढ़ा दे रहे थे, क्योंकि ये बोले कि यहाँ अर्जी लगता है। जाते समय बना ला इसी पेड़ में हम लोग को अपने मन्नत रख के और कुछ पैसा 11 रुपया चाहे जितना भी इच्छा है इसमें अपने धागा को बांधेंगे, उसी में पैसा भी बांध देंगे और अपने इच्छा मांगेंगे, जो इच्छा रहेगा जो मन्नत रहेगा वे कहेंगे। और यहाँ हम लोग थोड़ा देर बैठ गए थे क्योंकि कृति भी मतलब उतना ज़्यादा दिन में यहाँ बैठ गए थे और ये कुछ मंदिर के बारे में ये बता रहे थे। फिर हम लोग और चले गए, मतलब दर्शन वर्शन सारे इसमें जितने सारे मंदिर थे और ये दुकान भी उधर था, तो हम लोग घूमे और दर्शन किए। और सासू माँ को, मेरी सास को बहुत अच्छा लगा मंदिर, बहुत ज़्यादा खुश हो गई घूम कर कर रही कि बहुत अच्छा है, घूमने वाला मंदिर दर्शन करने वाला है। तो वो कि मतलब वो क्या सब लोग किए, बहुत हम लोग को भी अच्छा लगा। और चारों तरफ मतलब मम्मी और हम भांजे सब लोग माथा भी टेक रहे थे और यहाँ प्रसाद वरसाद पीन यहाँ से देखिए जा रहे। तो दोस्तों यहाँ काल भैरव जी के मंदिर आ गया, फिर ऊपर में यहाँ पैसा चिपकाया जा रहा था, ऐसा बोला जाता है कि यहाँ जाकर पैसा चिपकेगा इसका मन्नत पूरा हो जाता है। तो इसमें सारे लोग चिपका रहे थे, मेरे भांजे भी चिपकाए कि तो चिपक के, मेरा भी सब लोग का चिपक गया इसमें पैसा, क्योंकि उसमें लग रहा था कुछ था ऊपर में लगाया हुआ था, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि मान सब तो भगवान में होता ही है, मानिए तो सब है, ना मानिए तो कुछ नहीं। फिर यहाँ हम लोग घूमते घूमते फिर सारे मंदिर में दर्शन करे, माथा टेके और फिर हम लोग ये सब भी घूमे। क्रिस कृति भी खूब इंजॉय किए, खूब घूम रहे थे। और फिर उसके बाद हम लोग सब भगवान का दर्शन करके अब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे अपने घर के तरफ। फिर उड़न खटोला में हम लोग बैठ के फिर जाएंगे, क्योंकि आने जाने का दोनों का टिकट कर लिए थे हम लोग। और फिर यहाँ देखिए अब हम लोग को सारे माथा वाथा टेक लिए हैं, बस अब घर के लिए निकल रहे हैं। अब यहाँ हम लोग जा रहे हैं उड़न खटोला के लिए। फिर यहाँ आकर हम लोग अपने चप्पल स्लीपर जहाँ खोले थे वहीं पहन लिए और फिर यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। दोस्तों जाने के बेरी तो कुछ नहीं, मतलब डर और नहीं लग रहा था, अच्छा लगा जाने के वक्त। फिर यहाँ हम लोग उड़न खटोला में बैठ गए और चले गए गए और आराम से एकदम, क्योंकि एक बार बैठ गए ना जब ऊपर जाने के लिए तो उतना थोड़ा सा लग रहा था, अब जाने के वक्त आया तो नहीं डर लग रहा था, अच्छा लग रहा था जाने के वक्त। और यहाँ देख रहे हैं कितना अच्छा एकदम पहाड़ लग रहा था, कितना अच्छा है एकदम, बहुत पूरे एकदम अच्छा से दिखाई भी दे रहा था। कैमरा में थोड़ा मतलब उतना नहीं आया होगा, फिर भी आ गया है, देख रही हैं कैसे एकदम बहुत अच्छा, क्योंकि एक हाथ से ही कर रहे थे और नहीं तो जूम कर करके आप लोग को दिखाते
और कृति को भी पकड़े थे। ये गंगा जी दिखाई दे रही है ना आप लोग को, ये तो हर की पौड़ी का है, बाहर किनारा है। और उस दिन काफी भीड़ था मंदिर में, काफी भीड़ था बहुत ज्यादा, फिर भी दर्शन हो गए हम लोग को अच्छे से, और मम्मी को भी दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। मम्मी बोली कि बहुत अच्छा मंदिर है, घूमने लायक मंदिर है, दर्शन करने लायक है। हम बोले हाँ, क्योंकि पहाड़ पे बसी हुई है तो जाना ही चाहिए, और पैदल का भी रास्ता था तो बच्चे मतलब नहीं साथ में रहते तो हम लोग पैदल ही चले जाते, पर ये था ना बच्चे थे तो उड़न खटोला से जाना था। मम्मी को फर्स्ट बार ले गए तो पता नहीं मतलब कितना दूर है कितना नहीं, एक बार उड़न खटोला से उनको ले जाना थे तो उनको बैठाना था, मतलब मेरा शौक था कि उनको बैठाए और बैठा दिए। और काफ़ी हरिद्वार में उनको हम घुमाएंगे, आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल पे, क्योंकि आप लोग साथ में भी घूमिएगा, और सासू माँ को और मेरे भांजे को एकदम बहुत ज़्यादा घुमा रहे हैं, सारा वीडियो इसमें डालते रहेंगे। अभी तो मतलब मेरे भांजे को थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, तो इसलिए कहीं नहीं जा रहे हैं, बस इसके बाद आप लोग को हम ले चलेंगे। भारत माता मंदिर हो गया, दक्ष मंदिर हो गया, ऋषिकेश हो गया, शांति कुंज, हर चीज़ आप लोग को दिखाएंगे, और अपनी सासू माँ को भी सारी चीज़ दिखाएंगे। और हम लोग यहाँ उतर गए हैं, मतलब आ गए हैं अपने जहाँ उतरना था हम लोग को, तो यहाँ उतर जाएंगे, अब हम लोग जा रहे हैं। और ये मनसा देवी से निकलते हुए जाते हुए ये सब पढ़ते हैं, तो कुछ हम लोग खास चीज़ लिए नहीं, फिर इस दुकान में आ गए, सोचे कि चलो कुछ देखते हैं कृति के लिए लेते हैं, तो उतना हमको पसंद भी नहीं आया कि क्या लेके आना ही समझ में भी नहीं आया, इसलिए नहीं लिए ज़्यादा कुछ। और बोले सासू माँ को कि देख लीजिए कुछ करें, हम क्या लें, छोड़ तुमको जो लेना है ले लो, फिर कुछ मतलब हम मेरे भांजे कुछ लिए अपने लिए, हम बोले आप ले लीजिए, तो क्योंकि कृति क्रिस के लिए होली के लिए क्या ये सब हमको नहीं, ये सब तो कृति के लिए था ही कृति के पास, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कोशिश की है, पर बहुत अच्छा ये दुकान लगा मेरे को। फिर दोस्तों यहाँ हम लोग देखने लगे शंख उंख, बहुत अच्छा ये झूमर और शीशा वाला बहुत अच्छा लगा, तो मम्मी बोली अरे शंख तो हम लोग का है तो शंख क्या करेंगे लेकर, हम बोले चलिए ठीक है, क्योंकि घर में एक शंख रहना जरूरी होता है ना, तो वहाँ शंख वाला हमको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये सब आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा, कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं। फिर यहाँ हम लोग ऑटो में बैठ जाते हैं और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। चलिए दोस्तों मनसा देवी का सफर इतना ही, भैया को